हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग है कसार देवी टेंपल का। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं अल्मोड़ा में, कसार देवी में, और कसार देवी के प्रवेश द्वार यानी कि जो कसार देवी का गेट है जहां से चढ़ाई स्टार्ट होती है कसार देवी की, वहां पे खड़े हैं। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कसार देवी टेम्पल और बताएँगे कसार देवी टेम्पल की कुछ हिस्ट्री, और दिखाएंगे यहाँ के प्यारे से सिनेमैटिक व्यूज़ और मंदिर के बारे में पूरा बताएंगे और पूरा मंदिर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और ये है देखिए कसार देवी टेम्पल का गेट, एक यहाँ से है और एक है ऊपर वहाँ कहीं से, वो दिखाऊंगा आपको सेकंड गेट। तो फिलहाल हम लोग चल दिए हैं अभी मंदिर की तरफ, और मंदिर जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई है। ये देखिए ये बना हुआ है रास्ता मंदिर जाने के लिए ऊपर, और मेरे साथ है मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड। मिलवाता हूँ अभी आगे उन लोगों से भी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं माता रानी के दर्शन। तो देखिए हम आए थे उधर नीचे से, और ये काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है, और बीच में इस टाइप के ये बने रहते हैं शेड्स बैठने वगैरह के लिए, आराम करने के लिए। और ये है हमारे गौरव जी, और ये चर्रो प्राची, और ये मेरी बीबी, और ये सो रही है अभी, थक गई है बहुत ज़्यादा चढ़ चढ़ के। देखिए एक गेट ये है, और एक गेट दिखाया था आपको नीचे, तो दो गेट्स हैं यहाँ से जाने के लिए। और ये जा रहा है देखिए रास्ता ऊपर की तरफ मंदिर की। यह है देखिए मेन मंदिर माता कसार देवी का। ये देख रहे हैं चट्टान, इस चट्टान को कहा जाता है कि ये शेर की आकृति में है, और इसी चट्टान के अंदर देखा होगा आपने गुफा में माता का मंदिर है। तो इसको ये जो शिला है, इस शिला की मान्यता है यहाँ पे। मेन मंदिर है देखिए, मेन मंदिर के सामने ये पूरा बढ़िया एक वैली व्यू, और ऊपर है देखिए शिव जी का मंदिर। तो यहाँ दर्शन करने के बाद, माता के दर्शन करने के बाद करे जाते हैं शिव जी के मंदिर के दर्शन, तब आपके यहाँ के दर्शन पूरे होते हैं। माता रानी के दर्शन करके, पाठ करके, अब हम लोग जा रहे हैं आगे भोले बाबा के दर्शन करने। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भोले बाबा का मंदिर, जो कि माता रानी के मंदिर के ठीक सामने है ऊपर वो, और ये जा रहा है उसका रास्ता।
यहाँ है नंदी जी और सामने है हमारे बाबा। क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो? यहीं रख दो, यहीं रख दो, रख दो। अरे दूसरा भी उठा लिया। और बगल में ही है शिव जी के मंदिर, के बगल में है भैरव बाबा का मंदिर। जय हो भैरव बाबा की जय। वो देखिए एक स्पॉट है वहाँ पे, आप बढ़िया अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। वहाँ से पीछे का पूरा वैली व्यू आ रहा है। वहाँ पे बैठे हुए हैं और चिल कर रहे हैं कुछ लोग। तो गाइज ये था कसार देवी टेम्पल। आई होप आपको ये ब्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा चितई मंदिर का, वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो है चितई मंदिर का, जो कि है गोलजू का टेम्पल। यहाँ से 9-10 किलोमीटर आगे है। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।